तो हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल का एक्सरसाइज 8A। हमें सॉल्यूशन करना है, हमारे क्वेश्चन 1 से शुरू करना है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में सारे क्राइटेरिया वगैरह आपको मैंने समझाए थे, वन बाय वन करके एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझाया थी। ठीक है बच्चों, तो वो मुझे उम्मीद है कि आपको, आप लोगों को सारे पॉइंट्स को समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट डिटेल में आप समझे होंगे बच्चों, क्योंकि उन पॉइंट्स का, उन क्राइटेरिया का आपके ट्रायंगल चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है। अगर वो सारी चीजें आपको नहीं पता रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्राइटेरिया आपको दिमाग में रखने हैं, आपको उसका रिविजन करना है, आपको उसका नोट्स बना के रिविजन करना है, तभी आप ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लगे, बिल्कुल आसान लगे बच्चों, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 8A ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन 1। इन द फिगर AB एंड CD, देखो बच्चों ये AB है और CD, ये CD है, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। यहां से बच्चों यहां पे बाइसेक्ट हो रही है ना, एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि ये जो है बाइसेक्ट कर रही है दोनों को इक्वल एंगल्स पे। जब कभी भी बाइसेक्ट होगी ना, दो लाइंस अगर बाइसेक्ट हो रही है तो उनका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था गाइस, जैसे करके मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट रहेगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा, तभी आप क्वेश्चन को फटाफट समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए bisect each other at K, यहाँ पे K है, K पे अपना ये bisect हो रही है। ठीक है, prove that AC is equal to BD, यानी कि हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल है किसके, BD के। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इसे प्रूव करेंगे इसको। पहले हम यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट 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 करके हम इसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं दो। ठीक है बच्चों, हमें इस ट्राइंगल को प्रूव करना होगा कि पहले ये ट्राइंगल क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने आपको बताया था ना बच्चों, मैंने 5 क्राइटेरिया आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट के बारे में, कि एंगल एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड 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 एंगल, ऐसे करके हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये बच्चों, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे AKC एक ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल का BKD। ठीक है, दो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे, तो हमें प्रूव करना है कि कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल को हमें पहले प्रूव करना है, तो पहले हमारा प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, और हमारा गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे इन द फिगर AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये साइड्स इस साइड के इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारा, जो यहाँ पे K पे जो हमारा बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो ये साइड होगी इसके इक्वल होगी, और ये साइड, ये दोनों मतलब कि साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AK इज इक्वल टू BK, बिल्कुल गिवेन है हमारा बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना होगा गिवेन है। ठीक है, AK इज इक्वल टू BK। ठीक है, यहां से आ गया। अब यहां से देखिए बच्चों, ये भी गिवेन है, CK इज इक्वल टू DK, CK इज इक्वल टू DK। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ओके, अब आपको क्या, आपको देखिए बच्चों, कि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट हो, ठीक है, बाइसेक्ट करे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा जो है इसके इक्वल होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल BKD। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल AKC इज इक्वल टू एंगल BKD। ठीक है बच्चों, अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या लिखे हैं, एंगल A, तो हम डायरेक्ट एंगल K इज इक्वल टू एंगल KB तो कर सकते हैं, तो बच्चों वैसे भी कर सकते हैं, आपका वैसे भी होगा इक्वल होगा एंगल K। ठीक है, ये एंगल K इज इक्वल टू एंगल K। ठीक है, एंगल K इज इक्वल टू एंगल K, ये हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ, आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में उस तरीके से हम समझेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कभी बच्चों अगर एंगल AKC लिखा हो ना, तो हमेशा जब एंगल ऐसे लिखा हो ना, तो जो बीच वाला जो मतलब अल्फाबेट होता है ना, उसका एंगल वो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे बीच वाला एंगल क्या है, मतलब AKC, हमें एंगल K निकालने के लिए मैंने क्या बोला, एंगल AKC, और एंगल इधर से एंगल K निकालने के लिए बोला मैंने एंगल BKD। कभी भी ऐसा कभी भी लिख रहे ना बच्चों एंगल AKC, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे आपसे कौन सा एंगल, आपको कौन सा एंगल बता रहा है, आपको एंगल C निकालना है, तो यहाँ पे एंगल C कौन सा हो जाएगा, एंगल C ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे बिल्कुल समझना है आपको। कभी भी आपको ऐसे लिख के दिया हुआ कि दिया होगा कि एंगल सी ए से डी, एंगल ए बी डी, तो आपको जो बीच में जो रहता है ना, जो मिडल में, उस एंगल को आपको बताना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये चीज हो गई। अब देखो बच्चे, हमारा हमें प्रूव करना है कि हमारा जो है ये दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो ये साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है बच्चों, कि हमारी जो 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 भी दो ट्राइंगल होते हैं ना, उन तीनों ट्राइंगल के साइड दूसरे तीनों ट्राइंगल के अदर तीनों ट्राइंगल के साइड के इक्वल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी में। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, देखिए ये ए के बी के, ये ए के और ये बी के, एक एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल है, ये एक हो गया। CK is equal to DK, CK is equal to DK, देखिए दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो गया, ये चीज इक्वल होगी ना इसके इसके और इसके। बचा क्या हमारा, बीच का एंगल, एंगल ये एंगल इसके एंगल है ही, हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों, पहले आपको बताना है क्राइटेरिया आपका लगेगा साइड एंगल साइड, ठीक है। इधर से देखिए साइड एंगल साइड, तो यहाँ से हमारा क्राइटेरिया क्या लगेगा बच्चों, क्राइटेरिया आपको यहाँ से आपका निकल जाएगा साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। इस क्राइटेरिया से हम इसे कहेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है बच्चों ना, वो आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं, मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो यहां से आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए के सी, ए के सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी के डी, ट्राइंगल बी के डी, ठीक है बच्चों। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही आप यहां से बोलेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं देयर फोर ए सी, ठीक है, पूछा क्या, ए सी इज इक्वल टू डी बी डी, हेंस प्रूफ ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा सा बीच में हम जाएंगे तो थोड़ा सा हमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ये कुछ नहीं है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे ना बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। बस आपको क्राइटेरिया समझना है और वहां पे जो भी आपका एंगल इक्वल है इक्वल से इक्वल निकालना है, और एंगल को ज्यादातर आपको कोशिश करनी है सारे क्वेश्चन में ट्राइंगल के, आपका जो ट्राइंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर दो ट्राइंगल दे रखा है तो कॉन्ग्रुएंट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है, इन द फिगर द साइड बी ए एंड सी ए, साइड बी ए एंड सी ए, ठीक है, हैव बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। तो बी ए को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और सी ए को भी प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, यहाँ पे यही बोला गया, हैव बीन प्रोड्यूस सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू बच्चों ए डी, मतलब इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है, इस तरह से साइड को आगे की तरफ कंस्ट्रक्ट किया गया है बच्चों कि बी ए इज इक्वल टू ए डी, ठीक है बच्चों, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, और ठीक है, और यहीं पे एंड सी ए इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है बच्चों। तो ये वाली साइड जो है ना सी ए, ये आपका ई ए के बराबर होगी, ठीक है, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, ठीक है, इस तरह से इस फिगर को ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है बच्चों। कभी भी ऐसा सिंबल मिल जाए ना आपको, कहीं भी ऐसा सिंबल मिल जाए, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, मतलब कि दो लाइन आपका आपका जो है कि कहीं भी रहेगी ना, चाहे ऐसे रहे ऐसे, तो इस चीज को हम पैरेलल कहते हैं, ठीक है, ऐसे रहे तो इसको हम पैरेलल कहते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे की तरह ही लाइन होती है, लेकिन इक्वल दूरी पर और इक्वल प्लेस पे, ठीक है, तो उसे हम पैरेलल कहते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने आपको। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यही प्रूव करना है, प्रूव दैट डीई मतलब डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है बच्चों, फिगर में देख के ही समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल होगा, लेकिन फिर भी हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाएंगे, उसके बाद हम इसे प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, यहां से देखिए बच्चों की प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। और बच्चों यहां पे देखिए गिवेन क्या है, गिवेन बी ए इज इक्वल टू ए डी, बी ए, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू ए डी, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बी ए
इज इक्वल टू एडी। तो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल वन है, इन ट्रायंगल को मैं इसे लिख देता हूं पहले, आप इससे कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल बीएसी, बीएसी एंड डीएई, इन ट्रायंगल डीएई। ठीक है, इसमें अब यहां पे हमें लिखना है बच्चों, गिवेन है यहां पे आपका पहले से जो गिवेन है वो क्या रख, बी ए इज इक्वल टू एडी, बी ए इज इक्वल टू एडी। ठीक है बच्चों, बी ए एडी। ठीक है, और क्या है दूसरा, क्या गिवेन है, सी ए इज इक्वल टू, सी ए इज इक्वल टू ए ई, ये भी आपका गिवेन है। ठीक है, देखो बच्चों सी ए इज इक्वल टू ए ई, यानी कि एक साइड दूसरे ट्रायंगल के जो हमारा उस दूसरी साइड के बराबर होगा, और ये वाली साइड इस दूसरे अदर ट्रायंगल के दूसरी साइड के बराबर होगा। तो हमारे दो साइड तो बराबर इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल की। अब बीच का जो बच्चों वर्टिकली अपोजिट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो ये एंगल बच्चों और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर ये बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहां से हमारा कौन सा एंगल निकलेगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। ठीक है बच्चों, क्योंकि ए हमारा जो है कि दोनों में कॉमन है। तो यहां से हम बच्चों क्या कर देंगे कि हमारा ट्राइंगल बी ए सी congruent to triangle DAE। ठीक है, यहां से हमारा congruent proof हो जाता है कि triangle, so triangle BAC is equal to congruent है आपका triangle DAE, triangle DAE। ठीक है बच्चों, यहां से ये चीज congruent हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हमारा जो ये triangle A है बच्चों, इसमें BAC में हमारा triangle A, ठीक है, और ट्राइंगल डी ए ई में हमारा ट्राइंगल जो एंगल ए है, ये बच्चों दोनों में कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट ट्राइंगल है कि नहीं, बिल्कुल है। आप कहेंगे हाँ सर बी ए सी अल्टरनेट ट्राइंगल है और डी ए ई अल्टरनेट ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब ये साइड इसके इक्वल होगी, इसका जो ये एंगल है ना इसके इक्वल होगा बच्चों, तो इस एंगल के सामने वाली जो ये साइड है ये भी तो इसके इक्वल होगी ना बच्चों। यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्ग्रुएंट कौन सा क्राइटेरिया लगा है, साइड एंगल साइड, जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो इससे हमारा जो ट्राइंगल है वो प्रूफ हो गया कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से बच्चों जब ये दोनों ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा नहीं, जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बिल्कुल होगा, एकदम आंख बंद करके आप इसे कह सकते हैं बच्चों की। देखिए यहां से आप कह सकते हैं कि हमारा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, ये बिल्कुल सही है, ये तो बच्चों आपका प्रूव है। लेकिन ये दोनों अल्टरनेट ट्राइंगल्स है। ठीक है, दोनों देखिए ये अल्टरनेट ट्राइंगल है, ये अलग है, ये अलग है, और दोनों की ये जो साइड्स है ये पैरेलल तो है होंगे ही बच्चों, जब अल्टरनेट ट्राइंगल तो पैरेलल होगी। यहां से देखिए बच्चों ये वाली साइड्स, ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, तो बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई, ये भी आपस में इक्वल होगा। और बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी बच्चों इक्वल होंगे। तो हम यहां से क्या कहेंगे, एंगल बी सी ए, एंगल ए ई डी इक्वल होंगे। लेकिन ये ट्राइंगल आपका जो है कि आपका अल्टरनेट ट्राइंगल है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ट्राइंगल यहां से हेंस प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव बच्चों कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हेंस प्रूव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। देखिए बच्चों मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, उससे पहले आप समझ लो, जब कभी भी बच्चों ना ऐसे दो लाइन दी जाए, कहीं भी ऐसी दो लाइन रहे, ठीक है, एकदम सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, ठीक है, टेढ़े मेढ़े नहीं रहनी चाहिए। और अगर मैं यहां से बच्चों एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो बच्चों यहां से देखिए जी, फिर से मैं बना देता हूं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। यहां से देखिए दो जो स्ट्रेट लाइन ऐसे दे रखे रहे, ठीक है, और यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो बच्चों आपका जो ये वाला एंगल है ना, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका
ये भी देखो आप वर्टिकली आपका अपोजिट होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ से देखिए ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ये भी अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं बच्चों दो लाइन हो जाएगी और यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे तो बच्चों ये एंगल इसके इक्वल, वही चीज है यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ये कैसे इक्वल होता है आपको आगे मैं बताऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा प्रूव हो चुका है कि डीई पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये ट्रायंगल्स दोनों अल्टरनेट ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल, ठीक है। P is the midpoint of AB. देखिए P जो है AB का midpoint है। तो बच्चों यहाँ पे midpoint बोल दिया है, तो यहाँ पे ये side दोनों equal होंगे, ठीक है। And Q and R are points in AD and BC respectively, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों की ये जो P, Q और R है ना, ये भी midpoint होगी किसका? ये Q जो होगा वो AD का midpoint होगा, B जो होगा वो C का, R जो होगा वो BC का midpoint होगा यहाँ पे। इसका मतलब यही बच्चों, such that AQ is equal to BR, AQ is equal to BR. ठीक है यहाँ पे देखिए ये भी बोल दिया है कि जो AQ है ना वो BR के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपका गिवन है, प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि जो आपका PQ है ना ये PR के इक्वल है कि नहीं, ठीक है बच्चों। बस हमें यही प्रूव करना है, जैसे हम करते आए थे बिल्कुल वैसे ही करना है, डरना नहीं है हमें। पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे ना बच्चों, देखिए पी ए क्यू एंड पी बी आर, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा और इसमें भी P जो है दोनों में कॉमन होगा, कॉमन एंगल होगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर आपको कहीं भी स्क्वायर दे दे या रेक्टेंगल दे दे, ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइड होंगी ना, ये जो ऑल साइड आपकी क्या होंगी, जो चारों साइड से आपकी वो 90 डिग्री हो, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि स्क्वायर हो जाए चाहे रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है। तो ये बच्चे ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सारी जो चारों साइड से चारों साइड इक्वल होंगे, कितने के इक्वल होंगे, 90 डिग्री आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि चारों एंगल्स का जो सम मैंने आपको बताया था वो 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसे हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा एंगल होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, इक्वल होगा दोनों। यहाँ से हम ट्रायंगल को अच्छे से मतलब जल्दी से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं, और प्रूफ क्या लिखना है, टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है बच्चों, इसे हमें प्रूव करना है। और हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से है, PAQ, ठीक है बच्चों। सो ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBR, PBR, एक सेकंड बच्चों मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। PAQ एंड PBR, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब बच्चों गिवन क्या है आपको, ठीक है, तो आप यहां से कहेंगे गिवन है आपका, गिवन है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है, तो ये साइड से साइड के इक्वल होगी। यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चों कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। और बच्चों जब ये भी तो आपका इक्वल दे रखा है, ए क्यू इज इक्वल टू बी आर, ए क्यू इज इक्वल टू बी आर, ए क्यू इज इक्वल टू बी आर, ठीक है बच्चों। और यहां से देखिए बच्चों कि आपका जो बीच में जो एंगल है ये भी तो इक्वल है ना, तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी आर, इज इक्वल टू एंगल पी बी आर, जो कि कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों यहां से आपका कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा, देखिए बच्चों साइड एंगल साइड, बच्चों साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से बच्चों ये आपका जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमेशा आपको ध्यान करनी है, आप ऐसे ही लर्न करते हुए चलेंगे और क्राइटेरिया को समझेंगे बच्चों, तभी आप फिगर को समझ पाएंगे, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को, ट्राइंगल के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया दिमाग में रहना है, एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड, साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। जो भी मैंने क्राइटेरिया पढ़ाया आपको एक बार लर्न करना है उसको डेली, ठीक है। तो यहां से बच्चों अब आप कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, चलिए यही लिखता हूं, सो नहीं, देयरफॉर ट्राइंगल
PAQ ट्रायंगल, PAQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBR के। ठीक है बच्चों, तो जब ये बच्चों आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, तो ये PQ और PR प्रूव करना है। PQ और PR भी तो जब ये 90 डिग्री के सामने वाली जो ये दोनों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इक्वल दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, इतना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्राइटेरिया पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल आपका जो PABQ और PBR, ये आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहां से PQ और PR ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, वहां से आप कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ। यही इतना एग्जाम में आपको करना है, क्वेश्चन करना है। चलते हैं बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर OA इज इक्वल टू OB। ठीक है बच्चों, OA ठीक है इज इक्वल टू OB। ओके, OB क्या है? यहाँ पे आपका OB, यहाँ पे ठीक है, OA इज इक्वल टू OB, ये लाइन आपका जो ये साइड आपकी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है OC इज इक्वल टू OD, तो बच्चों OC इज इक्वल टू OD, ये लाइन्स भी आपका इक्वल है। यहाँ पे देखिए सिंबल लगा, ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कौन सा गिवन है आपका? एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD इसके इक्वल है, ये भी आपका गिवन है। प्रूव डेट AC इज इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, आपको ये वाली साइड प्रूव डेट AC इज इक्वल टू BD, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे साथ आप इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। तो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, टू प्रूव EC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। और आपका एंगल कौन सा दे रखा है? एंगल AOB इक्वल दे रखा है, एंगल AOB। सारी चीजों को पहले एक जगह लिखते हैं बच्चों, एंगल COD। ठीक है, ये आपका गिवेन है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा, वरना आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। और आपका बच्चों नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कौन कौन से एंगल्स हमारे कॉमन हो रहे हैं, पहले हम एंगल्स को अपना जो कि इक्वल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे एंगल आपका AOC। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको AOB और COD इक्वल है ना, AOB COD। देखिए बच्चों, दो एंगल, दो आपके ट्राइंगल इक्वल हो रहे कि नहीं? AOB और COD, यहाँ पे देखिए बच्चों COB आपका दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए AOC और COB है ना, ये दोनों, ये COB जो है कि दोनों एंगल्स पे कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें और इसमें, देखिए AOB में और COD में, ये एंगल आपका बीच में कॉमन आ रहा है, तो हम इसे पहले इक्वल करें। सो एंगल AOC प्लस, बच्चों देखिए एंगल AOC इक्वल होगा, प्लस में पहले प्लस करते हैं COB मिडल वाला। ठीक है, एंगल COB इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? क्योंकि ये दोनों आपका पहले से इक्वल दे रखा है, तो मैं इसका और इसका सम कर लूंगा, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी कि ये बीच वाला जो एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर एंगल यहां से देखिए बच्चों, एंगल COB, एंगल COB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD। ठीक है बच्चों, एंगल BOD, ये भी, ये इन दोनों, ये एंगल AOC प्लस एंगल COB, ठीक है, प्लस अगर हम करेंगे तो इक्वल होगा एंगल COB प्लस एंगल BBOD। ठीक है बच्चों, क्योंकि एंगल AOC और एंगल BOD दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये बीच वाली जो आपका जो एंगल है, ये बीच वाला, ये दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अब क्या निकल के आएगा? ठीक है बच्चों, आपको देखिए बच्चों, एंगल COB जो बीच वाला हमारा है, एंगल COB दोनों में कॉमन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे बच्चों कि जब हम इस चीज को उधर ले जाएंगे ना बच्चों, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पे प्लस का COB है ना, एंगल COB, यहाँ पे भी प्लस का COB है, तो ये दोनों बच्चों, ये जब प्लस है, जब उधर लिख जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का COB हो जाएगा, तो प्लस का COB और माइनस का COB कैंसिल हो जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एंगल AOC इक्वल टू क्या बचा आपका? एंगल BOD। यही चीज मैं यहाँ पे लिखाऊं, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से देखिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा, तो यहाँ से एंगल AOC, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से ट्राइंगल
ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है बच्चों, यहां से हम ले लेते हैं। और यहां पे देखिए पहले से आपका क्या गिवन है बच्चों, तो यहां से आप यहां पे लिख देंगे गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है बच्चों, ओ बी देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, देखो बच्चे एक साइड देखिए एक ट्रायंगल ये होगा, एक साइड देखिए बच्चे ए ओ सी ये ट्रायंगल हो गया और बी ओ डी ये ट्रायंगल हो गया, तो इसमें ए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एक ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है बच्चों, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है बच्चों, दूसरी साइड इक्वल होगी ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है बच्चों, इक्वल हो गया। और बीच का आपका एंगल तो बच्चों इक्वल है ही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या यहाँ पे गिवन यहाँ पे हमने प्रूव किया था एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी, यहाँ से बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया था एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या होगा साइड साइड एंगल, है ना, साइड साइड एंगल का क्राइटेरिया आपका लग गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया। यहाँ से आप प्रूव क्या कर सकते हैं कि ये जो देखिए ए ओ सी में आपका ए सी और बी ओ डी में आपका बी डी, जब ये दोनों साइड इक्वल होगी बच्चों तो ये साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ट्राइंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, हमारा ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ डी के, ट्राइंगल बी ओ डी के, ठीक है। तो यहाँ से हेंस प्रूव क्या हो गया, ठीक है बच्चों, ए सी इज इक्वल टू बी डी, हेंस प्रूव, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है बच्चों, हर एक चीज को बारीकी से समझो बच्चों, हर एक चीज समझ में, हर एक लाइन आपको समझ में आएगी, यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तब, ठीक है बच्चों। तो इसे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, फाइव क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, इन द फिगर प्रूव दैट ट्राइंगल ई ओ ए एम, यहाँ पे देखिए बच्चों ये फिगर है ओ ए एम, ठीक है, एंड ट्राइंगल ओ बी एन, ट्राइंगल ओ बी एन आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है बच्चों। तो आपको ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एन को प्रूव करना है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है, और जो आपका ए एम और बी एन ये आपका इक्वल है कि नहीं, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका हम चले फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। और यहाँ पे आपका देखिए इन द फिगर गिवन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ए ओ और ओ बी यहाँ पे आपका इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह देंगे इन द फिगर, इन द ट्राइंगल ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ ए भी कह सकते हैं इसे हम, और ए ओ भी कह सकते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओबी के इक्वल है। देखिए बच्चों दोनों ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल में एक एक साइड तो इक्वल हो गया आपका, ये आपका गिवन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपका ट्राइंगल कौन सा है, देखिए ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए एम में देखिए बच्चों ये आपका एक्स और ये वाई, ये जो है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये टेढ़ी हो गई होगी मुझसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस पे देखिए यहाँ पे ए एम जो है आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है, और यहाँ पे देखिए बी एन भी आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चों कि ए एम ए एम, ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री का सिंबल है, 90 डिग्री ऑन एक्स वाई, ए एम इज 90 डिग्री ऑन एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। और फिर दूसरा क्या कह सकते हैं कि बी एन 90 डिग्री है एक्स वाई पर, ठीक है बच्चों, ये वन नहीं है, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है, ये चीज आपका पहले से गिवन है, ठीक है। अब यहां पे हमें ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल हमारा दे रखा है बच्चों ओ ए एम, अब यहां से हमें बच्चों प्रूव करना है, पहले टू प्रूव ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एन के, ठीक है। और क्या प्रूव करना है, सेकेंड नंबर हमारा जो है वो है ए एम इसको मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूं बच्चों, टू प्रूव, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रूव करना है ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एन, ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बच्चों कि एम आपका बी एन के इक्वल है कि नहीं, ये भी प्रूफ करना है। ये दोनों चीजें आपको, दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि अब नीचे मैं लिख नहीं पाऊंगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चों, अब चलिए फिगर पे चलते हैं हमारा। तो आपको इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एन लिखने के बाद अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए AO और OB के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB, ये साइड इसके इक्वल होगी। दूसरा क्या है बच्चों, आपका एंगल, एंगल आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ पे आपका देखेंगे बच्चों ना, तो आपका एंगल M इज इक्वल टू एंगल M, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। और कुछ तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने एक आपको एक बात बताई थी कि वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये वर्टिकली अपोजिट है, बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों को, इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल बी ओ एन एंड एंगल एम ओ ए, अच्छा ये दोनों भी तो इक्वल होगा ना, होगा कि नहीं, देखिए यहाँ से ये दोनों इसके इक्वल हुआ और ये दोनों इसके इक्वल हुआ, तो हमें इस दोनों की जरूरत है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल बी ओ एन एंड एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से एंगल एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन, क्योंकि ओ हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों, देखिए साइड एंगल एंगल, ठीक है ना, साइड इक्वल हो गई और दूसरा हमारा एंगल इक्वल हो गया और तीसरा भी हमारा एंगल, तो ये हमारा साइड एंगल एंगल के क्राइटेरिया से बच्चों ये हमारा आप यहाँ पे कह सकते हैं, आप यहाँ पे प्रूव कर दिया है आपने कि जो ट्राइंगल है बच्चों आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन वन हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, कि ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एन, ठीक है, एंगल और साइड एंगल एंगल के क्राइटेरिया से आपने अपने से प्रूव कर दिया है। और यहां पे बच्चों AM और BN इज इक्वल है कि नहीं, तो देखिए बच्चों जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको ये देखिए ये पैरेलल है कि नहीं, देखिए हमने पहले सॉल्व किया था ना, देखिए AM BN के पैरेलल है, तो ये साइड इसके इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहां से कह सकते हैं हम कि AM इज इक्वल टू BN, ठीक है, हेंस प्रूव। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको बस इतना ही प्रूव करना था कि ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एन, ठीक है, बस इतना प्रूव करते ही आपको ये चीजें आपको अपने अपने आप ही मिल जाएगी। यहाँ पे बी नहीं होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे एम होगा, गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पे बस ये प्रूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका पैरेलल आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी सॉल्व किया था कॉन्ग्रुएंट करके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका दिया गया है बच्चों की इन द फिगर एंगल एक्स वाई जेड, देखिए बच्चों एंगल एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इज बाइसेक्टेड बाई वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले ये समझे, बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो एंगल्स है ना उसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंगल्स को, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बाइसेक्टेड, देखिए एक्स वाई जेड और यहाँ से बाइसेक्ट किया गया, ठीक है, बाई वाई पी, ठीक है, बाई वाई और पी, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए ना, एक्स और वाई को, वाई और जेड को बाइसेक्ट किया है वाई पी ने टू इक्वल पार्ट में, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट बच्चों की अगर ये आपका 60 डिग्री पूरा रहा होता ना, तो ये आपका 30 होगा और ये आपका 30 होगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है दो। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एल इज एनी पॉइंट इन वाई पी, देखिए बच्चों एल कहाँ पे आपका, एल देखिए यहाँ पे L is any point in Y और P पे any points है, कौन सा आपका L है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, YP and L is any point in YP and MLN is perpendicular. Perpendicular तो आप बच्चों आपको पता ही होगा कि perpendicular एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है जो L से आपका आकार देती है, ठीक है, और 90 डिग्री पे आपका वो जो है कि क्रॉस करती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका M जो है, देखिए M L, ठीक है, ML और देखिए NL, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मतलब बच्चों कि आपका जो ये एंगल जो होगा ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपका दिया गया है।
एल एन इज परपेंडिकुलर टू वाई पी, देखिये वाई पी पे परपेंडिकुलर होगा एम एल एन, देखिये एम एल एन वाई पी पे परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ से, ठीक है बच्चों, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ये बच्चों टोटल आपका 360 डिग्री का आपका एंगल्स होगा, लेकिन यहाँ पे हमें बस इस चीज की जरूरत है, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले से गिवेन है, ठीक है, तो वाई पी प्रूव दैट एल एम इज इक्वल टू एल एन, तो आपको यहाँ से क्या प्रूव करना है कि ये देखिए एल एम इज इक्वल टू एल एन, बस यही चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, आसान से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मार्कर चल नहीं रहा है, ब्लैक वाला ले लेता हूं मैं, तो सॉल्यूशन है बच्चों आपका, टू प्रूव करना है पहले, टू प्रूव क्या है एल एम इज इक्वल टू एल एन, ठीक है, प्रूव करना है, और आपके पास प्रूफ क्या है बच्चों, प्रूफ आपके पास है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा एंगल का प्रूफ है, आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल वाई एम एन एल, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल वाई एम एंड एल, ठीक है, एंड ट्राइंगल वाई एन एंड एल, एंगल वाई, ठीक है, एन एंड एल, ठीक है बच्चों, ये आपका दो ट्राइंगल यहां से निकल रहा है, ठीक है, अब इसी में आपको प्रूफ, ये ट्राइंगल्स को लेंगे तभी आपका एल एम और एल एन आपका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों एल एम इसमें आ रहा है और एल एन इसमें आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपका लेंगे तो ये अच्छे से आपका प्रूव हो, और यहाँ पे आपका गिवन क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पे एक चीज पहले से यहाँ पे गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये देखिए ये दोनों, ये देखिए वाई और एल, ये देखिए वाई एल दोनों में कॉमन साइड हो रही है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल हो रही है, देखिए वाई एल एम एंड वाई एल एन, ठीक है बच्चों, तो वाई एल दोनों में कॉमन ही होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका आप कह सकते हैं कि गिवेन है वाई एल इज इक्वल टू वाई एल, क्योंकि बच्चों इसमें भी वाई एल होगा, इसमें भी वाई एल और इसमें वाई एल दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है, एक आपकी साइड तो इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल्स की, अब दूसरा क्या होगा आपका, ये देखिए एंगल वाई एल एन एम, एंगल वाई एल एम इज इक्वल टू एंगल वाई एल एन एन, एंगल वाई एल एन एन, ये बच्चों देखिए दोनों, ये देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल होगा, तो एक साइड और दूसरा एंगल तो इक्वल हो गया, अब बच्चों जो हम पहले वीडियो से पहले लेक्चर वाले वीडियो से ही समझते आ रहे हैं कि अगर बच्चों की मैंने आपको पहले बताया था कि बाइसेक्ट किया हुआ है ना, देखिए एक्स वाई जेड को ये जो पी है ना वाई पी इसने बाइसेक्ट किया है, मतलब कि ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बच्चों एन वाई एल भी इक्वल होगा, तो एंगल एन वाई एल इज इक्वल टू एंगल एम वाई एल, ठीक है बच्चों, देखो एंगल वाई देखिए एंगल एन ये भी इक्वल होगा, ये हुए तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहां से देखिए आप कह सकते हैं कि साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया आपका मिल गया, तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों कि आपका ट्राइंगल वाई एम एल एंड ट्राइंगल वाई एन एल आर कॉन्ग्रुएंट, यहां से आपने प्रूव कर दिया है, देयरफॉर ट्राइंगल वाई एम एन कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल वाई एन एल के, ठीक है, सो बच्चों हम यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपकी जो आपको प्रूव करना है एल एम इज इक्वल टू एल एन, तो एल एम कौन सा है आपका, देखिए ये आपका एल एम हो गया, ये आपका एल एन हो गया, एल एम इज इक्वल टू एल एन, एल एम इज इक्वल टू एल एन, ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों आपको ये चीज ध्यान देनी है ना कि बच्चों ये जो ये चीज एन है ना आपको यहाँ पे नहीं लेना है, आपको बच्चों आप इसको एन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा गलत हो गया था, ये एम आप इसको यहाँ पे करेंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट आपका एन हो गया, ये पॉइंट आपका एम हो गया, ठीक है, इस पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये पॉइंट यहाँ से आपको लेना है, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये आपका प्रूव हो गया, एक बार मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ बच्चों कि ये आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं बच्चों ये आपकी एकदम नीचे वाली जो लाइन है जो जो हमने लिखा है प्रूफ वाली वो आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रही, खाली यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो यहां तक आ रहा है, तो इसके आगे मैं यहां पे लिख लेता हूं कि यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि एल एम, देखिए एल एम इज इक्वल टू एल एन, क्योंकि बच्चों हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके साइड साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे एल एम इज इक्वल टू एल एन, हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चों,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। तो बच्चों आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका आपको समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब बारीकी से हर एक चीज को समझाते हुए आपको बताया है, और क्राइटेरिया भी मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको जो कि अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा बच्चों, 7 से लेके आपका जो भी 15-17 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 में जो भी है, सारे क्वेश्चन आप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चों और आपसे अलविदा लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसी जोश के साथ हम पढ़ाई करेंगे और सारी चीजों को, सारे क्वेश्चन के आपके आपका जो ट्राइंगल का सारा डाउट है ना वो सारा मैं खत्म कर दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, बस आपको रेगुलर वीडियो में आना है, रेगुलर वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। जितने ज्यादा लोग आप जोड़ेंगे उतने ज्यादा हम लोगों के अंदर ना बच्चों वो वाला उत्साह आएगा, वो वाला जोश आएगा। ज्यादा बच्चे रहेंगे बच्चों, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम लोग भी अच्छे से पढ़ाएंगे और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आपके कमेंट्स वगैरह आप लोग करते हैं तो वो और भी ज्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट करता है कि हम वीडियो बनाएं और बच्चों को अच्छे से और अच्छे से समझाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बच्चों जय हिंद जय भारत।